दो घंटा वर्कआउट किया उसके बाद हार्डली स्लेप्ट जी। सर सबसे पहले सबसे पहले सर 50th बर्थडे आइकॉनिक बर्थडे फॉर यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस 50 ग्रेट इयर्स एंड सो मेनी ग्रेट इयर्स साइलेंस टेल अस समथिंग अबाउट इट सर एक साइलेंट प्लीज। आकाश भाई आकाश भाई बहुत आवाज आ रही है। हाँ यस सर इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का। मैं तो इतना थैंकफुल हूँ भगवान का क्योंकि ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने 50 तक की उम्र नहीं देखी। कितने दोस्त चले गए हमारे जल्दी चले गए और मैं 50 तक पहुँच रहा हूँ। भाई तो पहुँचा नहीं अभी भी एक कुछ टाइम बाकी है तो कुछ भी हो सकता है बट आई ऑलवेज फील कि जो ज़िंदगी दी है बहुत कमाल की ज़िंदगी दी है। जब मैं पहली बार सिंगर बनने के लिए आया था मुंबई में 1991 में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। आप यकीन मानेंगे मैंने कुछ नहीं किया आज के लिए। सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं उन्होंने आकाश भाई भावेश भाई अमित सायरा ये लोग सब ने मिल के मेरे पूरी फैमिली ने मिल के ये सब अरेंज किया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया बस मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब इतना लोग इतना प्यार करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 50 का हो रहा होऊंगा और मेरा परिवार इतना पूरा इंडियन डायस्पोरा बाहर का भी वर्क और ये सब हमें मिलेगा इतना प्यार। सो थैंकफुल टू गॉड बहुत मेहरबानी भगवान की। लेकिन सर बात करो आपकी आवाज़ की बात करो की पर्सनालिटी तो कोई बोल नहीं सकता कि कितनी हो चुका है क्या राज इसके पीछे का सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता किसी भी बात का। हर चीज़ जो होती है वो भगवान देता है जिसको भी मानते हैं अल्लाह मानते हैं मैं यूनिवर्स को मानता हूँ तो वो यूनिवर्स देता है मैं इसका क्रेडिट ले नहीं सकता। ये है कि मैं रियाज बहुत करता हूँ मैं बहुत रियाज करता हूँ और मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। मेरे एजेंडाज नहीं लाइफ में मुझे पता है कि मैं कल मर सकता हूँ या इसी पल मर सकता हूँ तो मैं उस मोमेंट को जो मैं जहाँ जी रहा हूँ उसमें फुल देता हूँ खुशी मस्ती प्यार मोहब्बत मेहनत मैं सब देता हूँ उसमें। तो आई थिंक ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाती है। गाने को लेके जिस तरह से शुरुआत की दौर था गाने का और आज हम देखते हैं इतने सारे कॉन्सर्ट होते हैं मेरा आखिरी कॉन्सर्ट पता है कब था कल रात को था मैं दिल्ली में था और वहाँ से मुझे बोला गया और एक वहाँ पे एक बड़े बहुत अच्छा आश्रम है वहाँ पे उनका बर्थडे था एक भोले बाबा जी हैं तो उसमें कैन यू इमेजिन 50 की उम्र से पहुँचने से पहले मेरा आखिरी कॉन्सर्ट में मेरे ऑडियंस में बैठे हैं सबसे बड़े गुरु जो हैं सिंगिंग के सुरेश वाडकर जी उनकी वाइफ बैठी हुई तो पूरा शो उन्होंने देखा मेरा। 3 घंटा मैंने परफॉर्म किया और 2.5 घंटा मुझे लगा पहुंचने में उस जगह पे। इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है भगवान ने हर शो में तो सुरेश जी आते नहीं है इस शो में सुरेश जी आए और मेरा लगा कि मुझे सरस्वती उतर के आई शो पे। जी मैंने नहीं की मैंने पर्सनली बात की आपने की मैंने कोई बात की अब तो हो चुका वो सब अब कब क्या मतलब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई अब तो वापस दोस्त बन गए सब लोग तो अभी तो मेरे ख्याल से वक्त वक्त की बात होती है। इंसान अपने दोस्त और दुश्मन चुनता नहीं है बन जाते हैं तो एक समय आता है जब कभी कभी लोगों को कुछ बातें बुरी लगती हैं लेकिन जब लोग सच गहराई में जानते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि आदमी का इंटेंट जो है वो गलत नहीं है ख़राब नहीं है और हमें प्यार ही करता है। तो अभी मेरे इस समय सभी दोस्त हैं निवान ने क्या सोचा कुछ नहीं सोचा बस इस सीक्रेट है बताऊँगा बाद में। हमारा एक्चुअली बचपन तो हमारा ऐसे ही मतलब बड़ा एवरेज मिडिल क्लास था तो बर्थडे से बनते नहीं थे हमारे हमको ऐसे ही थोड़ी मिठाई खिलाते थे और खर्ची देते थे 5 रुपया वहाँ मम्मी हलवा बनाती बहुत एकदम करेक्ट बोला आपने। मुझे बेसन का हलवा बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे तो वही अच्छे बचपन की तो यादें वही हैं हमारी। और वैसे अभी हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वही हमारी फैमिली है तो उनके साथ में बड़े यादगार लम्हे होते हैं पर जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। सर यू हैव गिवन सो मेनी आइकॉनिक सॉन्ग आज एक आइकॉनिक सॉन्ग मैं रॉकी और रानी में जो गाया वो सुनाऊं। यस हां
रोलण दे रांझियानु एक हीर तो होके जुदा रोलण दे रोलण दे साहिबानो एक मिर्ज़ियां तो छूट के रोलण दे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Thank you so much. This is Hari Haran. I am here at. Okay. Sir, firstly, what would you like to say? कुछ ही समय बाकी है. Iconic birthday, 50th birthday के लिए. Iconic birthday क्या होता है? मैं बोलता हूँ ना. Hi everybody. This is Hari Haran, and today is a very special day. It's the 50th birthday of Sonu. Nigam, a brother to me, and one of the big artists of India, singer of India, and a great human being. I wish him all the happiness, good health, prosperity, lots of music coming his way and his family. Thank you. My God, I 27 साल मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी हम लोग दोस्त से बढ़ के रहे हैं भाई रहे हैं जिस दिन सोनू जी आए और मुझसे मिले वो एक गाना गा रहे थे मेरी फिल्म घात के लिए बस उस दिन से जो दोस्ती हुई है वो इतनी ज़्यादा भाईचारे में बदली है कि मतलब व्हाट डू आई से इतना प्यार मुझे नहीं लगता मुझे मेरे अपने भाई ने इतना किया होगा जितना वो मुझे करते हैं एंड सेम ईयर एंड फैन तो हम उनके रहे हैं और रहेंगे बट अब उससे आगे बढ़ गए एक फैमिली की तरह हैं एंड इट्स एन ऑनर दैट We're all here enjoying his 50th. Among so many milestones, this is also one milestone, and sky is the limit for him. Tell me, what would you like to wish him on his birthday? Ooh, I would like to wish him first and foremost a lot of happiness, health, and I know I'm aware that जो दुनिया ने सोनू निगम को सुना है और
आज तक मेरे ख्याल से उससे 10 गुना टैलेंट उनके अंदर है। तो वो हर स्टाइल में, हर टाइप की सिंगिंग में, माय गॉड, वो हम प्राइवेट सेशंस में तो सुनते हैं, अब वो उस लेवल की चीज़ें शायद फिल्मों में सिर्फ नॉर्मल गाने होते हैं, बट आई थिंक दिस मैन कैन टच द स्काई। गॉड गिफ्टेड, रियली गॉड गिफ्टेड, थैंक यू। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, और सोनू यानी सोनू है, जहाँ जाए तो महफिल जमा देता है, और अच्छा लगा कि भाई देख सकते हैं हम लोग कभी तक। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, थैंक यू। देखिए कोई आदमी चलता है जब, तो कुछ बात होती है तब चलता है, और सस्टेन करना शुरू में तो कोई आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सबके साथ। वो सब सोनू करते हैं और करते रहेंगे, यही उम्मीद है। और एक शब्द में अगर सोनू सर के बारे में अगर आप कहना चाहें, वो क्या होगा? एक शब्द में अगर सोनू सर को डिफाइन करना चाहें आनंद सर अपने लाइफ में। नाम के साथ सोनू है तो गोल्ड है, एवर ग्रीन गोल्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टैंड बाय। मुझे वो चाहिए होता है। अजीब सर, अगर अपने शब्दों में बयां करना चाहे सोनू निगम के एक नायाब सफर को, वो गायके का फड़का लगाया जा रहा है, क्या दिखे काम में सोनू निगम के लिए? साइलेंट। आई थिंक सोनू, अगर मैं कहूँ तो सब लोग जानते हैं कि गाना के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता जाहिर सी बात है गाने से ज़्यादा खाने से बना होगा। तो जितना सोनू गाना अच्छा गाते हैं, मैं कहूँगा कि उसे कहीं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और उसके लिए मतलब मैं इतने सालों से, जब से मैं जानता हूँ, मैं कहूँगा कि सब कुछ खाने की ताकत है, सब कुछ खाना अच्छा लगता है, और जो फिर भी ऐसा दिखना तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है, कि मतलब इतना अच्छा खाना खाने के बाद में भी ऐसा दिखना, और वो रियाज है। आई थिंक वो रियाज जो है, रियाज, मेहनत, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स सोनू। मतलब सोनू ने ना सिर्फ गाना बट फिल्म में दी वे ही लुक्स, दी वे ही रॉक्स दी स्टेज, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पैरेलल हमारे इंडस्ट्री में, कोई ऐसा पैरेलल मैं कहूँगा, मुझे तो नहीं लगता कि 50 साल तो हो गए हैं, और 50 साल। सो विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 50 years and I'm sure he's going to rock. और आपके हाथ की सबसे वो खास चीज क्या है जो सोनू हमेशा मिस करता है, और आप चाहते हैं कि बस अब वो आए और मैं पहुंच रहा हूं? तो मेरी कुछ किस्मती है कि सोनू से अच्छी दोस्ती होने की वजह से घर में खाने के साथ में गाने के सेशन हमारे घर में होते हैं, और सोनू को मीठा बहुत पसंद है, मतलब कंट्रोल बहुत करते हैं, लेकिन मीठा बहुत अच्छा लगता है। खाने में कोई नखरे नहीं है, सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई नखरे नहीं है, एंड इसी तरह से रहे और मुस्कुराता रहे और अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी तैयारी है स्पेशल बर्थडे के लिए?
तैयारी तो सब आप देख रहे हो गए और बड़ी खुशी है कि बेटा 50 इयर्स का हो गए वो और बहुत अच्छी बुलंदियों पे हैं, ऊंचाई पे हैं और एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और खुशी है बस बहुत। बचपन से ये बात वेरी टैलेंटेड, मतलब गॉड गिफ्टेड है। तो बचपन से जब से होश संभाला तब से गाना है, ये मैंने देखा है। जब चलना नहीं आता था तब गाना आता था, क्योंकि एक बार वो कुछ गा रहे थे तो हमने कहा पता नहीं क्या गा रहे हैं, अचानक गाना आया वो हम तुम रात मिलन की, एक गाना था ना कि आजा गोरी सुन ले, तो वो कुछ करता था हम तुम लात, हमने कहा क्या बोल, वो गाना आया तो ओ ये तो उस हिसाब से वो बच, मतलब होश संभालते वो था। सारे जो अच्छे, सब अच्छे गए, नहीं कोई ऐसे, सब अच्छे गए। इट मीन्स अ लॉट ऑफ कोर्स, यू नो इट्स उनका 50th बर्थडे है, सो ऑब्वियसली वी आर ऑल एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ब्यूटिफुल इवेंट दैट हैपेंड लाइक लास्ट मिनट एंड या सुपर एक्साइटेड। ऑनेस्टली तोहफे से आँखों में आंसू आ ही नहीं सकते, वो खुद ही सबसे बड़े तोहफे हैं, उनका प्यार इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, यू नो, सो दैट्स व्हाट मेक्स मी इमोशनल एंड ऑलवेज फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। होती है बट ही इज़ टू एल्डर टू मी, सो नोकझोंक नहीं होती, यू नो डिसिप्लिनिंग होता है वंस इन अ व्हाइल। बस हम हैं साथ में, इससे बड़ी क्या बात है। यस, मेरा गला बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। एंड दिस इज़ माय एल्डर सिस्टर एंड या दैट्स माय एल्डर सिस्टर एंड सिस्टर आल्सो, कम कम, दैट्स माय सिस्टर सन, दैट्स माय सिस्टर हस्बैंड। यस, सो आवर ब्लेसिंग्स, आवर गुड विशेस विद हिम। यस यस, धमाका ऑलरेडी काफी दिनों से चल रहा है एक्चुअली, अभी कंटिन्यू होगा। सबकी तरफ से है। थैंक यू। सोनू जी को मैं जानता हूँ जब से वो 20 साल के थे, तब से मैं भी जवान था तब, अभी भी थोड़ा हूँ, लेकिन बहुत पुरानी यादें हैं सोनू जी के साथ और उनकी पूरी जर्नी, पूरा ग्रोथ और पूरा सक्सेस हमने अपने आँख से देखा है और हर कदम पे हम बहुत खुश हुए उनके लिए और यही दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसी ही सक्सेस उनको मिलती रहे और हमेशा हमारे साथ वो इसी तरह हंसते रहे और हमारे दिल से दुआएं उनके लिए। लंबे समय से आप उन्हें जानते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे उनके और आपकी कोई खास मेमोरी? बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि जब वो सारेगामा में एंकरिंग कर रहे थे, ये बात है 91-92 की, तब जैसे काफ़ी सारे सिंगर्स स्ट्रगल करते हैं मुंबई में, वैसे ही सोनू जी भी स्ट्रगल करते थे और मारुति 800 में मुझे याद है उनकी एक वाइट कलर की मारुति 800 होती थी, उसमें कई जगह जाना,
म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना, ये सब चीज़ हमने देखा हुआ है, तो बहुत सारी यादें हैं वैसे। थैंक यू सो मच। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक टू सोनू निगम जी। सर यहाँ पे सर एक सेकंड, क्या कहें, इज अ लेजेंड, इज अ ब्रदर, इट्स अ लैंडमार्क बर्थडे फॉर एनीबडी। 50 ईयर्स, वो लगते 25 के हैं लेकिन 50 के होने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे, एक अरसे से जानता हूँ उन्हें, वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री, बहुत पुराना रिश्ता है, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम, ही इज़ कमिंग टू दिस साइड ऑफ 50, सो ऑल द वेरी बेस्ट सोनू, लव यू। मैं सच बताऊं ये अजीब सा लगेगा क्योंकि उनके जन्मदिन पे हूं और आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन उनका ऐसा शायद ही कोई गाना है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई एक गाना कहना है तो फिर अभी मुझ में कहीं इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं उन्हें कभी कभी 2-3 बजे फ़ोन करके हैरान कर देता हूँ कि यार एक लाइन गा दे और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज इट्स फुल ऑफ सोल। बाकी गाने भी बेहतरीन हैं लेकिन अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट एंड विल रिमेन। वैसी आदतें उनकी तो आप बहुत प्रेस में देख चुके हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज अ वेरी आउटस्पोकन गाय, जो सोचते हैं वो कहते हैं, कभी भी उन्होंने अपने स्टार्डम का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी लोग डर जाते हैं स्टार्डम से और कहते हैं कि भैया आई सिट ऑन द फेंस, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है, जो सोचते हैं वो कहते हैं, कई बार इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, और बहुत मुश्किल होता है हमारी इंडस्ट्री में ऑनेस्ट होना, बट ही इज़। और अपने अंदाज में अगर उन्हें विश करना हो तो वो ही अपने अंदाज में कैसे विश करेंगे, कोई चंद लाइन अगर आपको याद हो उनके लिए। सोनू, व्हाट कैन आई से टू यू ब्रदर, यू नो हाउ मच आई लव यू, आई नो हाउ मच यू लव मी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी 50th, मेनी मेनी मोर इयर्स टू कम, एंड लव यू। थैंक यू। ब्रो ना भाई, पहले तो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, 50th बर्थडे सोनू। सोनू है तो सिंगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा एक अच्छा इंसान है, और मुझे खुशी होती कि उसमें अभी भी तमीज़ और तहजीब बाकी है जो कम देखने को मिलती है, और माँ बाप की दुआएं हैं उसकी, इसीलिए वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन अ वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। सोनू जी आपको बहुत बहुत बधाई। सोनू जी ऐसे व्यक्ति हैं कि गायकी में तो बहुत हैं आगे, वो तो हम सभी जानते हैं, मगर जो वो एक प्रिंसिपल या हक की भी जो बात करते हैं वो बहुत अच्छी होती है, तो मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, और विद लव एंड ब्लेसिंग। सोनू जी लेट अस नाउ गो टूवर्ड्स द 60 ईयर्स एंड देन द 75 ईयर्स, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हूँ. सोनू जी रिस्पेक्टेड अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. मुझे भी सौभाग्य था उनके साथ काम करने का, उनके साथ गाने का. एंड आई एम हैप्पी टू कम हियर एंड विश हिम. आई लव हिज हर घड़ी बदल रही है रूप सम टाइम लेटर. थैंक यू. फीलिंग ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोनू 50 लगता ही नहीं है. और यही आई प्रे कि हमेशा ऐसे ही लगे यंग. एनीथिंग सोनू ने कहा, मैं सच अ डियर फेलो एंड सो क्लोज टू ऑल ऑफ अस, कि उसके लिए हमेशा अच्छा ही विश करते हैं. और अभी विश करेंगे कि ही हैज अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस अहेड. थैंक यू सर. थैंक यू. मला त्या दिवशी त्यांचा फोन आला आणि मला सांगितलं त्याने की मी माझा 50वा वाढदिवस आहे. माझा खरं तर पहिला विश्वास नाही बसला की ते 50 वर्ष झालेत त्यांना बघून. पण माझ्यातर्फे माझ्या परिवारातर्फे मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि उत्तरोत्तर त्यांची याहून जास्ती प्रगती हो हीच इच्छा. धन्यवाद. वेल, आई वांट टू से जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके हमेशा ताउम्र दोस्त रहते हैं. एंड आई थिंक सोनू फॉर मी इज़ दैट, माई सोल बडी. एंड इट्स हिज 50th एंड अ लैंडमार्क. और ज़िंदगी के बहुत सारे लैंडमार्क्स हमने साथ में देखे. सो आई एम हियर टू जस्ट बी विद हिम, होल्ड हिज हैंड्स एंड सेलिब्रेट दिस मोमेंट. वो कितना अच्छा गाते हैं और हमने एक साथ कितने शोज़ किए. तो मुझे याद है एक एक गाने पर, मैं जब आई यूज़ टू होस्ट हिज शोज़, जब मैं बिगिन कर रही थी अपना करियर, तो हर गाने पे लगता था कि दिस इज़ अमेजिंग. बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी अभी मुझ में कहीं इज फ्रॉम माय मोस्ट फेवरेट. यस. आई डिडंट नो दैट, बट आई डू फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्ट फिल्म लाइक भाग मिल्खा भाग. एंड आई थिंक एक जर्नी ऐसी रही जहाँ हमने सब ने एक साथ मिलके बहुत कुछ सीखा एक ऐसी ज़िंदगी से. और फॉर मी बतौर एक्टर आई थिंक इट वाज अ लैंडमार्क फॉर मी. थैंक यू. बहुत मुबारक हो उनको, इतने अच्छे कलाकार. आई थिंक एन ऑलराउंडर आई वुड से. इतने अच्छे अपने आप को उन्होंने स्थापित किया इस इंडस्ट्री में. इट्स नॉट सो इजी एंड ही डिड इट हिज ओन वे. ही हैज मेड हिज ओन स्टाइल एंड सच अ लवेबल पर्सन, सुपर टैलेंटेड. और मैं उनके साथ 1996 में आशा जी के साथ जब शो में गया था, 96-97 देन ही ये कंपनी डस. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. इस टाइप के आर्टिस्ट
He's a real great artist and very original. Very original. Thank you. मैं तो हैप्पी बर्थडे कहूँगा और अपने आप को मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे भगवान ने मौका दिया एक बार जज बनने का दिल्ली में, जहाँ मेरी मुलाकात सोनू से हुई। छोटा सा बच्चा था और मैंने परख लिया था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, तो मेरे नसीब में जब आया, मेरे भाग्य में वो आया, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, क्योंकि ऐसा नायाब सिंगर हमारे इंडस्ट्री में है जिसने हर किस्म के गाने गाए हैं और क्या नहीं गाया। उसका लॉन्चिंग पैड वो कहता है, वो खुद ही कहता है कि संदेश ही आते था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इमोशनल फीलिंग फॉर मी पर्सनली एज अ कंपोजर दैट आई हैड द चांस ऑफ वर्किंग विद सच अ टैलेंटेड बॉय। बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं, लेकिन इतना फ़िलहाल कह सकता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और ख़ास करके संगीतकारों के लिए ये बहुत एक नायाब तोहफा है, जिसको हम बड़े प्यार से, जब हम गाने बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा गाना बने जो सोनू उस पर 4 चांद या 12 चांद लगा दे, तो ही इंस्पायर्स अ कंपोजर टू मेक अ गुड सॉन्ग। और जितने भी मैंने गाने किए हैं, वो बॉर्डर के हों, रिफ्यूजी के हों, LOC कारगिल के हों, मैं हूं ना हो, उससे पहले अर्लियर फिल्म्स, सभी गाने उसने मेरे बहुत अच्छे गाए हैं, हर किस्म के गाने गाए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन हिज 50th बर्थडे सेलिब्रेशन, एंड गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड मोर सक्सेस। थैंक यू। आज बड़ा स्पेशल दिन है एक्चुअली। 50, किसी भी इंसान की लाइफ में 50 की एक फिगर जो होती है ना, वो बहुत ही गोल्डन होती है जेन्युइनली, चाहे वो आदमी की ज़िंदगी में हो या क्रिकेट में हो। क्रिकेट में हम लोग हाफ सेंचुरी बोलते हैं, तो पहला सेलिब्रेशन जो होता है वो क्रिकेट में हाफ सेंचुरी का होता है। एंड आज सोनू की हाफ सेंचुरी है। ऑल दो आई नो सोनू इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, सोनू और मैं शायद हम लोग मोर देन 2 decades, ऑलमोस्ट अबाउट 25 years वी हैव बीन फ्रेंड्स। एंड टुडे ही इज़ टर्निंग 50 एंड ही स्टिल लुक्स लाइक अ बॉय। यार मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इट इज़ सोनू 50th, एंड इट्स इनक्रेडिबल। आई मीन आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड यू नो एट सच अ यंग एज, एंड ही इज़ अचीव सो मच इन लाइफ यू नो विद हिज सिंगिंग एंड हिज टैलेंट, द होल वर्ल्ड लव्स हिम। So I think it is the best time to celebrate Sonu and his legacy. Sonu ke to har gaane mujhe har gaane pe mujhe maza aata hai, but uske bahut sare aise gaane hain, chahe wo suraj hua madham chand jalne laga, chahe wo ho, chahe हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे वो हो चाहे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी, मुझे उसके गाने में मज़ा भी आता बहुत। लेकिन आप गाने बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा और गाने तो और अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, ये मैंने 3 गाने तो अलग अलग गा के बता दिए। उसके बर्थडे पे मैं चाहता हूँ कि वही सबको गाना सुना दे, वरना वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो है ना, ऑल राइट। सिंगर लोग के लंग्स में बहुत पावर होता है ब्रो, इसलिए शुरू करो अभी से अंताक्षरी लेके हरी का नाम। अरे काय का बाइट, कुछ गाजर वाजर लाते तो खा लेता गा बाइट बाइट। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है उनका? मेरे क्या बोलूँ क्या, हाँ तो वो उसको प्लांट दे रहा हूँ ना भाई को। अच्छा हो गया रे, यहाँ क्या कर रहे, अंदर चलना। चलो हैप्पी बर्थडे सोनू ब्रो। सर यहाँ से डार्लिंग,
वो गाना अपना हर घड़ी, समझ गया ना, वो सब वही मैं बोल रहा था कि डैनी वो बाबा का वो मेरा फेवरेट है। और भी आपका कोई फेवरेट है क्या? क्या बोला, हर घड़ी क्या बात है भिड़ू, तू भी बदल साथ में। अरे मराठीत पाहिजे की हिंदीत पाहिजे, दोनों चलेगा ना? हमारे बहुत ही करीबी मित्र और इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के विख्यात गायक आदरणीय सोनू निगम जी का 50वां सालगिरह अभी कल ही होने वाला है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। मगर उन्हें देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता है वो 50 के हो गए, लगता है कि अभी अभी वो 35-40 के हो गए। उन्होंने जिस वक्त हमें आमंत्रित किया तभी पता चला कि उनका 50वां सालगिरह वो बना रहे और सभी हमारे दोस्तों के साथ बना रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहता हूँ वो तो अमर रहेंगे ही, उनका आवाज़ भी इस दुनिया में अमर रहेगा, इसी में शुभकामनाएं उनको देता हूं। और 50वीं सालगिरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर सालगिरह में हमें उनकी याद जरूर आएगी, ऐसी उनकी काम करने की पद्धति है और ऐसा उनका प्यार इतने सालों में उन्होंने हमें दिया है। नहीं देखिए, उनके तो सॉन्ग फेवरेट नहीं है, सभी सॉन्ग उनके फेवरेट होते हैं। जो हमें वो इन्विटेशन भी उन्होंने दिया तो गाते गाते ही इन्विटेशन दिया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। थैंक यू। इधर आ जाएं। ये बटना है। देखिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज मेरी है 70th बर्थडे और सोनू की है 50th बर्थडे, तो हम लोग दोनों के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। और सोनू को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे जैसा है, क्योंकि सोनू का फादर अगम जी और मैं, हम दोनों तब के दोस्त हैं जब ना मेरी शादी हुई थी ना अगम की हुई थी, तब से हमारी दोस्ती। तो अगम जी और हम तब से संगीत का मज़ा ले रहे हैं। फिर तो सोनू हुआ और उसके बाद सोनू ने देखिए तूफान मचा दिया, तो आज मुझे बहुत खुशी है। ज़रूर एक गाना है जो मैं भी गाता हूँ और सोनू भी उसको गाते हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अच्छा आपका भी जन्मदिन है, सोनू का भी जन्मदिन, तो थोड़ा सा कोई कॉमन फैक्टर लगता है क्या संगीत के अलावा भी, कि जिनका जन्मदिन सेम होता है उनकी लाइफ बहुत कुछ सेम हो सकती है? काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं, वो ये है कि हम लोग संगीत से बहुत प्यार करते हैं पहला ये, और हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं दूसरा ये है। तो मैं सोनू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसको दुआएं भगवान से मांगता हूँ कि हमेशा खुश रहे। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रफ़ी साहब का जो अंदाज़ है गाने का, सोनू के गाने में वो झलक नज़र आती है। सोनू में वही रेंज है, वही आवाज़ की गुलाई है, खूबसूरत है, तो रफ़ी साहब का रंग तो सोनू में आना ही था, क्योंकि शुरू से ही वो रफ़ी साहब के गाने बहुत गाता रहा है। रफ़ी साहब चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। शुक्रिया।
जवां दिलों की धड़कन सोनू निगम, आज 50वां बर्थडे है लेकिन अभी भी 25 के लग रहे हैं वो। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत प्यार। गॉड ब्लेस। हाँ बोलना क्या। किसका है ये क्या 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 बोलते उसको, ये दिल दीवाना दीवाने ने कर डाला। हैप्पी बर्थडे टू यू सोनू। जी जी, जैसे सोनू जी ने रफ़ी साहब को फॉलो किया, उनको गुरु मानते हैं, हम सभी रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं और उनको फॉलो करके उन्होंने शुरुआत तो की लेकिन अब अपना खुद का एक स्टाइल बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और रफ़ी साहब के बारे में हम क्या कहें, सबके सात सुरों के मालिक हैं, ये भी कहा जाता है अगर भगवान की आवाज़ होती तो रफ़ी साहब जैसी होती। और रफ़ी साहब भले आज जिस्मानी तौर पे हमारे साथ ना हो लेकिन आने वाले कई सालों तक वो नई पीढ़ी को इंस्पायर करते रहेंगे अच्छा गाना गाने के। एक गाना चुनना बहुत मुश्किल है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सोनू, लव यू। अरे ये सचिन ये लोकर तो फोटो घेणार ते राजा आज मेरा हो गया हो गया। एक इधर आओ, इधर आ गया, ध्यान रहे, जवान अच्छा नहीं दिखना चाहिए, बुड्ढे का हाथ भारी करना। मेरी बेटी सच
इन दोनों से बेटर भी ना मांगता है। ओके सर, ओके ओके आप सीनो बेटर। अभी मैं भाषण दूं? अभी क्या सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूं। सर का 50th बर्थडे है, सोने जी का 50th बर्थडे। अभी देखो, सच्ची बात तो यह है कि जितने गाने वाले हैं, अच्छा गाने वाले हैं, उनसे मैं बहुत नफरत करता हूं, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है और ऊपर वाले ने मुझे कूट कूट के बेसुरा बनाया। तो जब मैं सुनता हूँ उनको तो लगता है भगवान ने मुझे थोड़ी सी आवाज़ क्यों नहीं दी, है कि नहीं? हाथ आंग लगा तो अरे मैं ऐकला है, यू आर गुड सिंगर। पहले तो मैं बता दूं कि मुझे जब सोनू का फ़ोन आया कि उसका जन्मदिन है, आ जाओ, मैंने आते हैं, बोला मेरा 50वां बर्थडे है। अरे मैंने कहा तू तो अभी भी बच्चा लगता है ना, वो लगता नहीं कि 50 साल का हूँ क्या? तो मेरे को तो एक इस बात की खुशी है कि एक 50 साल का बच्चा, एक दूसरा बच्चा ये भी है, ये मेरा, मैं मेरी कई फिल्मों में मेरा बचपन किया इसने। ये देखा सर हमने। चलो एनीवे, ज्यादा बोलना क्या सलाह, क्या एडवाइस अपनी ओर से एक ऐसा अगर फिगर आप क्या देना चाहेंगे सोनू सर को? अरे इसके तो हम दीवाने हैं, हाँ सोनू के दीवाने हैं, बहुत अच्छा सिंगर है, मालिक उसको बरकत दे, उन्नति दे, सेहत दे, और ऐसे ही गाता रहे, है कि नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई रफी साहब के 19-20 भी आता है तो वो सोनू है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं? और जितना नेक इंसान रफ़ी साहब थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता था, बहुत ही नेक, बहुत ही, इतने सज्जन इंसान मैंने देखे नहीं, और वही स्ट्रेट में, वही मतलब वो जो फितरत है वो मैं सोनू में देखता हूँ। ओके तस्वीर चाहिए। चलो मुझे ये पता, ये रिंग कहाँ से है? मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सोनू का 50वां बर्थडे आज मनाया जा रहा है। मेरी उससे सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी जब वो 15 साल का, आज उस चीज़ को 35 साल हो गए हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली का मेंबर है, तो उसको मैं तहे दिल से, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आशीर्वाद ही देता रहूँ। इन 35 ईयर्स में काफ़ी सारे नंबर्स के गाने आए, काफ़ी एल्बम आए, आपका कोई ऐसा फेवरेट? मेरा फेवरेट सोनू निगम है। मेरा फेवरेट सोनू निगम है, इसलिए वो जो कुछ भी गाएगा वो मुझे अच्छा ही लगेगा। मैम आप अगर कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए द सोनू निगम सोनू भैया है, एंड ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन के लिए नो मैटर व्हाट वो आइकॉनिक है। आज भी अगर कोई गाना हम गुनगुनाते हैं सो इनवेरिएबली आई थिंक सोनू निगम का ही होता है। सो आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ही रियली इज माय फेवरेट। सर एक सवाल था मेरा, शी इज डूइंग सो वेल इन हर करियर ओटीटी वाइज, शी इज गेटिंग सो मच ऑफ लव एंड इन इंटरव्यूज आल्सो जब वो सवाल जवाब देते, इतने मैच्योरिटी लेवल्स एज अ फादर, कितना प्राउड मोमेंट होता है सर आपके लिए? भाई आप ये जो बोल रहे हैं वो एक-एक सेकंड मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच। और आप सब ने उसको आशीर्वाद दिया है और उसने अपनी मेहनत को बरकरार रखा है, ये दोनों चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट। भैया छोड़ो अभी उनका बर्थडे। मैं एक ही चीज मैंने हमेशा महसूस की है, सोनू ने कभी ये ना, सोनू ने मेरे हिसाब से सोनू कभी रफी साहब से मिला नहीं है। बावजूद इसके जब भी सोनू ने अपनी आवाज़
माइक पे पेश की है किसी भी उम्र में, हर बार मैंने महसूस किया है कि रफी साहब का आशीर्वाद उसके साथ। एक एक विजुअल साहब दोनों का यहाँ पे कर लेते, थोड़ा इसे पीछे आ जाइए गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट बर्थडे है ये 50वां, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 100 साल बर्थडे पे भी हम लोग इस तरह आए और उसको विश करें, आशीर्वाद दें। एक बहुत ही नायाब कोहिनूर हीरा है सोनू हमारी इंडस्ट्री के लिए, और मैं भगवान से यही चाहता हूँ कि वो हमेशा हंसता खेलता और स्वस्थ रहे और खूब काम करे और अच्छे अच्छे गाने हम सबको दे। मेरा सोनू जी से बहुत बहुत सालों का वास्ता है। सारेगामा की शुरुआत उनके साथ हुई थी एंड आई फील ऑनर्ड कि आज मैं हाल ही में उनका एक्चुअली परफॉर्मेंस देखा है, कल ही उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस देखा, एंड देयर इज़ नो वर्ड टू डिस्क्राइब सोनू जी, सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑन हिज 50th बर्थडे। अच्छा, एक सोनू जी का फेवरेट सॉन्ग जो आपको काफ़ी पसंद आया हो? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ये हमारा फेवरेट गाना है उनका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या पूछ रहा है बताओ, ये कौन पूछ रहा है? मुझे तो लगता है कि मुझे तो सब कैसे 50 साल कैसे 50 साल के मुझे लगता है 25-30 साल के ही है शायद, 50 के कभी हो गए समझ में नहीं आ रहे उनकी शक्ल से तो और उनकी उनके स्टाइल से तो लगता नहीं कि वो 50 हो गए, पर मेरी दुआएं हैं और मेरी हमारे भाई हैं वो और इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड सिंगर हैं, तो बस हम क्या कह सकते हैं, मैं तो बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं उसका दोस्त हूँ और हमने बहुत सारा काम किया और बहुत सारा काम करना है। एक गुड लुकिंग म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरे गुड लुकिंग सिंगर के साथ। हां, इट्स ट्रू। अच्छा, कोई सुंदर सी कंपैरिजन ला दीजिए। अरे अरे, कहां वो सब कर, ओके वो वेट वाले लोग किधर गए? क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अरे शुभकामनाएं ही दे हैं और क्या है, इतना स्पेशल ओकेजन है, इतना स्पेशल ओकेजन है, और सोनू का मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, किधर देखूं मैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि 50 का हो गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सोनू 50, मैं जब देखा मतलब 50 का कैसे हो गया इतनी जल्दी, अभी तो बहुत यंग है, बट एनी वे आए, बहुत बहुत मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। सोनू का मेरा रिश्ता बहुत ख़ास है और बहुत ही खूबसूरत इंसान है, सिंगर तो है बहुत बड़ा, तो मैं बस दिल से दुआएँ देता हूँ और मौला उसे और भी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की दे। थैंक यू। सोनू भाई को 50th बर्थडे बहुत बहुत बधाई हो, एंड इट्स प्रिविलेज टू बी देयर विद हिम सिंस लास्ट 35 years आई थिंक सो। जब सारेगामा से पहले हम लोगों ने सोनू भाई के साथ मेरा उनका साथ है, एंड ईश्वर करता हूँ कि हम उनका बर्थडे ऐसे ही मनाते जाएँ, और ही इज़ अ फैंटाबुलस आर्टिस्ट तो है, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, एंड वो मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट और फर्स्ट प्रेफरेंस सिंगर हैं, और ह्यूमन बीइंग तो खैर आप सब जानते हैं, तो मैं उनको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड आई विश हिम हैप्पी 50th बर्थडे। थैंक यू। बाइट। सो
विशिंग सोनू जी अ वेरी 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 हैप्पी 50th बर्थडे. वो लगते नहीं है 50 के बिल्कुल. मेरी उनसे मुलाकात ऑलमोस्ट 25 साल पहले हुई है. बहुत बहुत ही करीबी, बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड ही इज़ एवर सो इंस्पायरिंग एंड वेरी वेरी मोटिवेटिंग. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट हैज बीन, विल बी, ऑलवेज विल बी. सो विशिंग सोनू जी अ वेरी 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 हैप्पी 50th बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस हिम and his family, and may he keep inspiring us and giving us some amazing music as always. Thank you so much. Finest there is, there was, there ever will be. So happy birthday, Sonu Nigam. Thank you. Yeah, and it's his 50th birthday, though he doesn't look like उनका 50वां बर्थडे, बट आई एम सो हैप्पी टू बी देयर. थैंक यू. ओके, दोबारा कर ले, वन मोर टाइम. ओके, कैन यू आस्क हिम देन. इसे जी, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, सो मैं तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. विशिंग हिम मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. एंड हालांकि वो लगते नहीं है 50 साल के हुए हैं, बट great to be here. Thank you. How does it feel wishing Sonu on his 50th birthday? You're asking me? Absolutely, yeah, it feels really great. I'm very happy to be a part of this legendary event because Sonu bhai is just a not only my elder brother but also a big legend across the globe. His voice has created history for Indian music, and I feel really happy to be a part of the 50th celebration, and I look forward to seeing. I haven't seen him till today. Koi gana jo aapke dil ke bahut kareeb hai abhi mujh mein kahin, and the kal ho na ho. Would you like to sing? No, I'm not a bad. In fact, when I do host his tours at times, I'm only good in talking, not singing. But I wish him happy birthday. Thanks. Yeah. ऑलवेज रॉकिंग. 50th है लेकिन वो अभी भी 30th का लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई थिंक इट्स बहुत अच्छा खुशी हो रही. सोनू इज हमारा, मैं समझता हूँ हम लोग कब से 95 से जानते हैं उसको, तो उससे अभी तक वो उसकी आवाज़ सेम है, उसकी एनर्जी सेम है, उसकी परफॉर्मेंस सेम है. आई विश हिम ऑल द लक एंड मे ही हैज़ मोर 50 ईयर्स टू गो. थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप सोनू क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? क्या दे सकते हैं एक ऐसे शख्स को जो सोनू निगम है, जिनके पास इतना हुनर है, सिवाय इसके कि हम दुआएं दें, उनको बहुत सारा प्यार दें और कहें कि ये उनकी इतनी इम्पोर्टेंट 50वीं बर्थडे पर हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उन्हें वो पर मिल जाए जिससे वो आसमान को छू लें. बहुत बहुत प्यार सोनू. यू आर अ वेरी वेरी गिफ्टेड सिंगर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. कोई फेवरेट गाना अगर आपके बहुत दिल के करीब हो, कुछ हुआ हो ऐसे किसी गाने में, बताना चाहिए? कल हो ना हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही फीलिंग से गाया. मगर वो तो सिर्फ एक ही गाना है. सोनू के लिस्ट पे बहुत सारे गाने हैं, वो बहुत फीलिंग से गाते हैं. थैंक यू. थैंक यू. पूरी गोल्डन गोल्डन बन के आई हूँ, ताकि तो गोल्डन बर्थडे है तो लॉट्स ऑफ मोर गोल्डन ईयर्स. वो जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000. कोई फेवरेट गाना हो, किसी गाने से कोई खास याद जा रही हो?
बहुत सारे गाने हैं, उसके लिए हमको अलग एक एपिसोड ही चाहिए। फिर वो बर्थडे एपिसोड नहीं बनेगा, ट्रिब्यूट टू सोनू निगम बनेगा। हिज जस्ट नो कंपैरिजन टू हिज बॉडी ऑफ वर्क एंड हिज रेपर्टुआर ऑफ म्यूजिक एंड हिज रेंज, सो वेरी हार्ड टू से। इट वॉज ना बहुत ट्रिमेंडस रिएक्शन मिल रहा है, बिकॉज एक पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, एंड बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज, बहुत लोगों के लिए सरप्राइज था, बहुत क्यूट मोमेंट था, सो दैट वाज नाइस। राइट में आ जाए जी, इधर आइए आप, इस तरफ आइए आप, इस तरफ आइए। रेडी जी, आज बहुत ही खास दिन है, बिकॉज आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे सुरीले और सबसे अच्छे इंसान सोनू निगम जी का बर्थडे है। सो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड वो ऐसे ही बड़े बड़े बर्थडे बनाते रहें और भगवान उनको ऐसे ही नवाजता है। हैप्पी बर्थडे सोनू भाई, लव यू। मेरे तो बड़े भाई का बर्थडे है आज, आज वो 50 साल के हो रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा ही स्पेशल दिन, हम सबके लिए बड़ा स्पेशल दिन है। एंड सोनू जी, आप हमेशा खुश रहें, आप इस देश के सबसे बड़े कलाकार तो हैं ही, बट आप सबसे खुश रहें, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ही कर दो ना, आ जाओ। बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत मुबारक उनको, वेरी हैप्पी बर्थडे टू सोनू भाई, एंड इट्स हिज 50th बर्थडे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत सालों का रिश्ता है और मेरे को बहुत बहुत खुशी है उन्होंने अपनी खुशी में हमें शामिल किया। थैंक यू। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, सो माय एल्बम दीवाना। हाँ बिल्कुल, उसी तरह आए हैं, विश करेंगे आप, बट वही मुझे डर है कि 10 मिनट ही है अभी बाकी, तो क्या करना है? हाँ बस यही कहूँगा, हर चीज़ में वो मेरे आगे रहे, 50 बनने में मैं उनकी आगे रहा हूँ, सो आई एम ग्लैड के अभी वो भी इज जॉइंड द 50+ क्लब, एंड ऑफकोर्स लुक्स स्मैशिंग, लुक्स वंडरफुल। मुझे लगता है कि बस एक नई शुरुआत है, और लव हिम, इज माई डियरेस्ट ब्रदर, तो बस विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे। मैंने एक बनाया गाना उन पर, हाँ आज मेरे भाई की है 50वीं सालगिरह, ऐसा कुछ बनाया था, अभी याद नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीवन, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बड़ा सभी के बहुत चाहते हैं, एंड एवरीवन लव्स हिम, एंड ही लव्स द होल इंडस्ट्री, द होल म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी, एंड आई एम ग्लैड कि आज हम सब यहाँ मिलने वाले हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि सारा
सारी म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ होने वाली है और सभी लोग यहाँ होने वाले हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आई गिव हिम लॉट ऑफ लव एंड बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह सोनू जी को बहुत लंबी उम्र दे और बहुत सेहत दे, और हमेशा सोनू जी इसी तरह लोगों पूरी हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित करते रहें पूरे वर्ल्ड में।